भाई साहब जिस तरह से पिछले 3-4 दिनों से बाजार गिरे हैं, तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आ रहेगा, कल क्या होगा किसको पता, अभी ले लो प्रॉफिट बुकिंग का मजा। भैया अब तो यही कहना पड़ेगा, जहां मौका लगे प्रॉफिट बुक कर लो। साला समझ नहीं आ रहा, मैंने इस महीने काफ़ी प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन उसके बावजूद जो आज मेरा अनरियलाइज लॉस पोजिशन में दिखा रहा था, इस महीने का और पिछले महीने का दोनों प्रॉफिट जोड़ लो सारे साथ। तो कहते हैं ना, ये है बाजार। तो आदमी सोचता है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं फन्ने खां, मैं शेर सिंह, मैं अजगर सिंह, मैं बाजीगर, मैं ताजीगर, लेकिन सारा निकलता क्या, चुकंदर। बाजार में हालत पतली हो जाती है जब ऑपरेटर अपनी पे आ जाता है। तो कहना अब क्या होगा किसी को क्या पता वाली बात हो रही। तो आपकी क्या हालात है, आप बाजार में टिके हुए हैं, लॉस करे बैठे हैं, प्रॉफिट पे बैठे हैं? अरे डार्लिंग कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार अंतर्राष्ट्रीय तो फुल टॉस तेज है। मैं अगर आपको बताऊंगा ना, आप मतलब चौंक जाएंगे, आपको लगेगा यार ये हो क्या रहा है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। आज देखो जापान 1.5% तेज, ऑस्ट्रेलिया 1.5% तेज, चाइना के 2 इंडेक्स हरे में, एक हल्का सा लाल, ठीक है। साउथ अफ्रीका तो छोटा है, छोड़ो। हांगकांग हल्का सा गिरा हुआ 0.5%, पर साउथ कोरिया सियोल कॉस्पी 2.25% तेज। ये तब है जब वो कल भी तेज थे सारे। अब आओ यूरोप, यूरोप में जर्मनी 0.25%, लंदन 0.25%, पेरिस 0.25%, इबिक्स 1.5%, मिलन 0.5% से ऊपर, स्विट्ज़रलैंड 1.5%, ओमेक्स S30 0.5% और 1% के बीच, रशिया हल्का सा गिरा हुआ 0.31%। बेहतरीन तेजी। ये तब है जब ये कल भी तेज थे। अब कनाडा 0.75%, ब्राज़ील 0.5%, डाउजोन्स 0.75%, S&P 500 0.75%, नैसडेक हल्का सा गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 2000 0.5% के लपेटे में तेज है। तो खून खार तेजी चल रही है सारे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, और लुट रहे हैं तो क्या है हमारे बाजार। तो गाना नहीं है, बेखुदी में सनम लुट गए हैं जी हम, मर गए कट गए मर गए आज हम। तो आज वाली बात थी कि ऐसा मारा, देखो चार्ट देखो, आज निफ्टी 50 में 15 शेयर बढ़े हुए थे और 35 शेयर गिरे हुए थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही एडवर्स था। 22,442 में बाजार बंद हुआ, हल्की गैप ऑफ ओपनिंग 50.61 की, 42,490 के लपेटे में, पीक बनाया 42,500 का, फिर गिरा ऐसे जैसे केले के छिलके पे पैर पड़ गया, फट से बॉटम बना दिया आज का 22,232, फिर वहीं ऊपर नीचे करता करता 22,302 के लपेटे में 140 पॉइंट गिरकर 0.62% की गिरावट के साथ अपनी तो नाक कटाई कटाई, लोगों की जेब कटवा दी। ये था निफ्टी का हाल। अब निफ्टी को मारो गोली। अगर आप देखेंगे ना, सारे के सारे इंडाइसेस सारे सारे लाल हुए पड़े थे बुरी तरह, क्योंकि आज पोर्टफोलियो ज़्यादा गिरा। कारण क्योंकि बाकी शेयर बहुत गिरे। निफ्टी मिड कैप 52% गिर गया, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी लगभग 2% ही गिरा हुआ है, स्मॉल कैप निफ्टी 50 0.25% गिरा हुआ है। ये थे छोटे शेयरों की कहानी। निफ्टी नेक्स्ट 50 1.5% से ज़्यादा, निफ्टी मिड कैप 100 2%,
निफ्टी बैंक 1.25%, फिर निफ्टी 100.83, निफ्टी 200 1% से ज़्यादा, निफ्टी 500 1% से ज़्यादा, सबसे कम गिरा निफ्टी 50.62%। और इंडिया विक्स तो ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ते पीछे पड़ गए और आदमी डर के आगे भागता है। आज भी 2.5% के लपेटे में चढ़कर 17 के लेवल पर पहुंच गया है, जिसके चलते अगर शेयर बढ़ भी जाता है तो पुट का प्रीमियम घटने की जगह बढ़ जाता है, शेयर गिर भी जाता है तो कॉल का प्रीमियम घटने की जगह बढ़ जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ते हैं। साले जो पुट ऑपरेटर है, पुट सेलर, कॉल सेलर है, वो पागल हो गए यार, कॉल बेची थी शेयर गिर गया साला कॉल में नुकसान हो रहा है, पुट बेची थी शेयर बढ़ गया साला पुट में नुकसान हो रहा है, उनके समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, मरे फिरे से पड़े हैं, काटो तो खून नहीं। तो ये बुरी हालात आज देश में देखने को मिला। अब अगर मैं बात करूं मार्केट मूड की, तो बत्ती लग गई है मार्केट मूड की। अगर आप देखेंगे रीसेंट लोस पर आ गया, 1 मार्च के बाद ये पहला है आपका मार्केट मूड जो इतना गिरा है। एक हालांकि 19 अप्रैल को भी काफ़ी गिर गया था, तो अब लोअर लेवल्स पे आ चुका है, लोगों की बत्ती लगा चुका है, अब एक्सट्रीम फियर का इंतज़ार है। तो अब एक्सट्रीम फियर आ गया तो बस यही कहना पड़ेगा, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए नहीं था दिल बेकरार, वो मार्केट मूड आ गया आ गया। भैया अब एक्सट्रीम फियर वाला आ जाएगा तो इसका हमें इंतज़ार नहीं है, पर भाई साहब बाजार है, कुछ भी हो सकता है। इस वक्त तो सारे निवेशकों की बत्ती लगा रखी है। अब आप देखो आज ये इंटरनेशनल फैक्टर बड़ा ही एडवर्स है, कौन सा? US डॉलर ट्रेजरी यील्ड बड़ी बैंड लगी हुई है साले की, सॉरी US डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो गया, फिर एक तरीके से बड़े हाई पर आ गया। आज हल्का सा क्रूड गिरा है, ये अच्छी बात है, रुपया कमज़ोर है यार, कमज़ोरी कमज़ोर हो गया है, और ये स्टेबल्स आया तो न्यूट्रल कह लीजिए, अपने पीक से 4.655 से तो नीचे आ गया, जो एक अच्छा 4.7 तक चला गया था, वहाँ से नीचे आ गया, जो अच्छी बात है। पर अच्छा तो यार पानी पीने गया जब तक बाजार में कुछ मज़ेदारी ना हो। ओ तेरी ये FIs फिर आ गए अपनी औकात पर, 3,668 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली करी, लगभग 1800 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर बेचे, लगभग हल्के 137-138 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर बेचे, जिसके चलते 5,500 करोड़ से ज़्यादा यानी 5600 करोड़ की नेट बिकवाली आई है। ये तो भला हो DIs का, बड़े दिनों के बाद, बड़े दिन क्या, दो दिनों के बाद मारा चौका आज। तो आज इन्होंने एक बड़ी खरीदारी करी है 2304 करोड़ की, पर उसके बावजूद भी 1364 करोड़ जो है नेट बिकवाली कैश सेगमेंट में, और हालात देख रहे हैं बाजार गिर गया है। अब फिर काफ़ी हल्के की तरफ बढ़ रहे हैं FIs, इंडेक्स लॉन्ग और स्टॉक लॉन्ग भी थोड़ी हायर साइड पे है। वैसे तो देखो यार इलेक्शन ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहे हैं, 4 जून को रिजल्ट आने, अगर मई एंड तक हम काफ़ी हल्के हो जाएं, हालांकि उसके चक्कर में हमारा लॉस बढ़ जाएगा। आज मेरे पोर्टफोलियो में लॉस लगभग 30-31 लाख का आ चुका था, पोर्टफोलियो नहीं ओपन पोजिशन। तो इस महीने 10 पैसे का प्रॉफिट कमाया, पिछले महीने 20-22 पैसे का प्रॉफिट कमाया था, अभी 30 पैसे का से ज़्यादा का ही दिखा रहा है लॉस, यानी पिछले और इस महीने का प्रॉफिट सारा का सारा अभी तो ओपन पोजीशन निगले बैठी है। और लुंगी के साथ पुंगी और पुंगी के साथ चुंगी, चुंगी के साथ दिल की भी पुंगी बज गई है, मतलब दिल इतना भयभीत हो गया लोगों का। आज लोग बड़े परेशान थे, कई उबासियां ले रहे थे, कई रो रहे थे, मेरे जैसे सो जाते हैं बीच में मार्केट के, मैं बोर होता हूँ ना सो जाता हूँ बाजार में, मैं कहता हूँ रामलाल मस्ती में आग लगे बस्ती में, तो ये वाली बात है। तो भाई इस वक्त जो है ना, लेकिन आज आप देखो ना FMCG भागा, देखो मैरिको भागा, इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, गोदरेज कंज्यूमर भागा, HUL भागा, डाबर इंडिया भागा, मैंने भी अपने हिस्से की प्रॉफिट बुकिंग आज कर ली, और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 2.25 पैसे का आज भी प्रॉफिट बुक किया, जिसकी चर्चा आज की वीडियो में अंत में मैं करूँगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही अनफेवरेबल था, 482 शेयर्स के अगेंस्ट
1764 शेयर गिरे हुए थे, यानी 1:4 का रिश्यो था, जो बहुत ही ख़राब माना जाता है। गिरने वालों में जिसकी बैंड बजाई गई SRF, बुरी तरह से घाटा है इसके अंदर, महानगर गैस, GMR एयरपोर्ट, आरती इंडस्ट्रीज, इनके तो जैसे कपड़े होते ना खींच दिए, चीर हरण हो गया। अब निफ्टी 50 में जबकि आपको बताया था कि 15 शेयर चढ़े हुए थे, 35 गए हुए थे, वो HUL भागा हुआ था, टेक महिंद्रा, ब्रिटानिया, नेस्ले, TCS, ITC, कोटक महिंद्रा, ये भाई साहब गदर बचा रहे थे। गिरने वालों में बजाज ऑटो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ONGC, इंडसइंड बैंक, हिंडालको, टाटा मोटर, GSW स्टील आ गए। टाटा मोटर का भी आज भाई साहब चीर हरण हुआ, बजाज ऑटो की तो मम्मी पापा याद दिलाती है, बहुत बुरा हाल था। अब कैंडल देखो पूरी ए शेप फॉल की तरफ बढ़ रही है, देखिए, और आज कैंडल बहुत खतरनाक होगी। एक तो उसने 50 डेज के मूविंग एवरेज को टच किया, मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे क्लोजिंग दी है, कैंडल का बड़ा हिस्सा आज लोअर हाफ ऑफ बोलिंजर बैंड में है, MACD चार्ट पे बेरिश क्रॉसओवर बन गया और RSI 50 के नीचे आ गया। तो कहते हैं अच्छे से बुरे की तरफ हम बढ़ गए, यहाँ लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद 3 दिन में लाइफ टाइम हाई की मम्मी पापा याद करा दिए, बड़े बड़े हिल गए। शेयर बाजार नाच रहा है, गा रहा है, गाना गा रहा है, अपना दिल तो आवारा न जाने किसकी बैंड बजाएगा, ये मारेगा सबको जी, लूटेगा देखो सबको, सबकी ही ये तो बैंड बजाएगा, ला 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 ला। और हम बेचारे गाना गा रहे हैं कि भैया लूट गए ओ बाजार तेरी चाह में, तो वाली बात है कि रिटेल निवेशकों की तो घंटी बजा दी आज, कैंडल 3 कैंडलों ने बर्बाद कर दिया बाजार को, एक कैंडल और ख़राब बननी चाहिए मुझे लगता है, फिर बाजार, या मैक्सिमम 2, फिर बाजार रिकवरी दिखाएगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी यार बाजार को प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। 22,302 पे बंद हुआ, 22,300 पे देखो कॉल रेटिंग बहुत बढ़ गई है, पुट रेटिंग हल्की बढ़ी है और दोनों टक्कर की है, पर मैक्सिमम पेन आप देखेंगे 22,500 पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉल रेटिंग है और पुट रेटिंग यहाँ घटी है, और यही मैक्सिमम पेन बहुत बढ़ गया। यानी अगर 22,500 तक बाजार को खींचा जाए, इसको काट दिया जाए, तो कॉल राइटर्स की तो लुंगी पुंगी एक हो जाएगी। कॉल राइटर्स कमज़ोर दिल वाले तो इतना डरे हुए हैं, 23,000 पे जाके बैठ गए और गाना गा रहे हैं, जालिम दूर दूर से देखूं घूर घूर के, और जो और ज़्यादा डरे हुए 23,500 पे जाके बैठ गए बड़ी मात्रा में, और हर लेवल पे कॉल राइटर्स छाए हुए हैं। मुझे तो लग रहा है कॉल राइटिंग PCR काफ़ी गिर गया होगा, देखिए 0.56। अब यार ये ओवरसोल्ड का बाप बन चुका है, मंथली वाला फिर ठीक है 1.26, अब बाजार को चढ़ना चाहिए यार, एक दिन और गिर जाए फिर चढ़ जाए यार, अब तो यही मन कर रहा है। 22,302 पे बाजार बंद हुआ, लेकिन आप नोट करिए इस वक्त 22,500 पे जाके कॉल रेटिंग हाईएस्ट हो गई है, पहले 23,500 पे थी, तो ये एक अच्छा चिन्ह है। यानी ये हफ्ता जरूर कष्टदायी है पर मंथ ठीक हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ नज़र आ रहा है, और मैक्सिमम पेन भी 22,500 के लेवल पे है। मैं गलत बोल गया, ठीक तो बोल रहा हूँ, नीचे जाके कॉल रेटर्स बैठ गए ना, तो गलत तो बोल रहा हूँ, ये तो कमजोरी का संकेत है। कॉल राइटर्स को 22,500 पे बढ़त कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सारे देख लांगे, कई बार यार आदमी अपने हिसाब से बोलता है, बाजार कुछ कहता है। निफ्टी बैंक देखो सिर्फ 1 शेयर चढ़ा हुआ था, 11 गिरे हुए थे। अबे तू भी गिर जाता साले उल्लू के पट्टे, तूने जरूर बढ़ना था, 0:12 भी हो जाता। अब 48,895 पे बाजार बंद हुआ था, लगभग 70 पॉइंट की ओपनिंग, 48,965 पर 49,000 से ऊपर का हाई बनाया, बड़ा अच्छा लगा, 49 की लाइन में तो अच्छा लगता है, पर वो क्षण भर की बात थी। उसके बाद जो गिरा तो ऐसे जैसे केले के छिलके पाँव, 1, 2, 3, 4 बार बॉटम टच करा, बॉटम के पास पहुंचा 48,213 का, फिर 48,285 पर 609 पॉइंट की बड़ी गिरावट, 0.25% गिर कर जो है आज बंद हुआ। एक कोटक महिंद्रा था, क्योंकि उसके वैसे ही पहले ही इतने कपड़े फाड़ दिए थे साले के, तर बतर कर दिया था, वो ही चढ़ा हुआ, देख लूँ कोटक महिंद्रा में क्या पोजीशन थी आज। यार मैं भी थक गया हूँ, मेरी पता नहीं 500-600 पोजीशन होंगी अब, तो डर लगने लगा है।
हाँ कोटक महिंद्रा में बड़ा प्रॉफिट आ रहा है। कोटक महिंद्रा में ठीक है प्रॉफिट, देखते हैं यार। अब कल कुछ बनाते हैं प्रोग्राम, कल चाय पानी का प्रोग्राम बनाते हैं कुछ। बाकी सब गिरे पड़े थे बुरी तरह से, तार तर बतर हो रहे थे, देखो तो सारे गिरे पड़े हैं। सब सारा PNB, बंधन, इंडसइंड बैंक में नंगा करके छुड़ा है। मैं बात ही क्या करें यार, देखो इसकी भी कैंडल अब तो ख़राब हो गई। आज इसने भी मिडल बोलिंजर बैंड के नीचे आ गया, बुलिश क्रॉसओवर तो समाप्ति है बिल्कुल। RSI भी थोड़ा 50 के ऊपर तो है, यानी ये टेक्निकली निफ्टी 50 से कम वीक है, पर वीक ये भी खासा है। इसका भी PCR अगर आप देखोगे ना 0.52 आ गया, ओवरसोल्ड हो चुका है बाजार। और ये 0.8, ये तो मंथली भी वीक हो गया है। अब 48,285 बंद हुआ, कल बाजार बंद हो जाएगा, इस मतलब एक्सपायरी है इसकी। 48,000 और 48,500 पकड़ो, 48,500 पे कॉल राइटिंग बढ़ी है और 48,000 पे भी हल्की सी बढ़ी है। पुट राइटिंग 48,000 पे बढ़ी है, 48,500 पे घटी है, और हर लेवल पे कॉल राइटिंग नज़र आ रही है, जिसके चलते PCR गिर गया। यानी बाजार में बहुत कमजोरी है, बाजार बहुत कमज़ोर है। अब कल आखिरी दिन है, देखो क्या होता है। अब मैंने तो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से 221,454 का प्रॉफिट बुक कर लिया। आज भी बहुत ट्रेड हो गए यार, एक MKG फ्यूचर कॉल स्ट्रैटेजी होगी, दो फ्यूचर बाय हो गए, तीन फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ हो गए, एक ऑप्शन स्क्वेयर ऑफ हो गया, एक स्टॉक स्क्वेयर ऑफ हो गया, एक एग्रेसिव पुट बेची, 12 सेफ पुट बेची, 5 नई पोजीशन बनाई, जिसके चलते मैरिको का मैंने कॉल और फ्यूचर दोनों स्क्वेयर ऑफ किया। कॉल में बड़ा नुकसान हुआ, साला 2 दिन पहले बेची थी, इसमें भारी नुकसान हो गया। और पुट में तो फ्यूचर में अच्छा फ़ायदा हो गया, कुल मिला के 1,00,000 से ऊपर का इसमें प्रॉफिट आया। फिर अमराजा बैटरी के मैंने 100 शेयर बेच डाले, ये खरीदे सस्ते हुए बेचे महंगे हुए, तो इसमें बड़ा प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है अमराजा में? 47-48 के आसपास का प्रॉफिट है। फिर डाबर का फ्यूचर भी स्क्वेयर ऑफ कर दिया, जिसमें मुझे करीबन 43-44 हज़ार रुपये बच गए। फिर मैंने हिंदुस्तान लीवर का भी फ्यूचर स्क्वेयर ऑफ कर दिया, जिसमें लगभग 30,000 बच गए। मैंने कहा हटाओ यार, पैसे की ज़रूरत है। तो आदमी डर जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है, कहता है यार पता नहीं कल क्या होगा, कहता है कल क्या होगा किसको पता, अभी कर लो प्रॉफिट बुकिंग का मज़ा वाली बात है। तो भाई अभी ले लो प्रॉफिट बुकिंग का मज़ा। तो भैया हमने तो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, अपना सोचा कि भैया अगर बाजार भाग जाएगा तो ठीक है, ये प्रॉफिट बुक हो गए, दूसरों में कमा लेंगे, गिर जाएगा तो संतुष्टि रहेगी, इनमें तो कमाया। बहुत बुरी हालत है, पर यही वक्त होता है सीखने का, ये वक्त है सीखने का। और यही मैं आपको वीडियोज़ और अपने डेमोज़ के तरह दिखाता हूँ कि किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट किया जाता है। आज मैंने फिर कैश डाला, मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया था, अब कल देखते हैं क्या होगा। तो आपकी क्या पोजीशन चल रही है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, टिप मैं देता नहीं, कोई मेरे से मांग भी लेते एक ही बात कहता हूँ, अपने रिस्क कैपिटाइट से काम करिए। तो टिप के लिए ज्वाइन मत करिए, सीखने के लिए ज्वाइन करना है तो 70-11-323-077-70-11-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे मेरे स्टूडेंट बनिए। इसके अलावा डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स को है, या मेरी टीम को ही कॉल करिए 70-11-323-077, या व्हाट्सएप कर दीजिए, वो आपको रिप्लाई कर देंगे, पूरी हेल्प भी करेंगे। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।